अगर हमको मिल गया तो सोच लीजिए, आपके चेक करने के बाद अगर हमको मिल गया तो आप फंस जाएंगे बुरी तरह। पलो पलो ये ड्रेस पहन के आता है स्कूल में, कौन स्कूल से का विद्यार्थी लगे जी, मास्टर तो पिता है बच्चा का, ये अभी तक बताया नहीं कि कैसा ड्रेस पहन के स्कूल आना चाहिए। हाँ ऐसे पहनता है आपके, कभी स्कूल नहीं जाती है यही कमरा पहन के जाती है, निकलो बाहर निकलो, चलो इसको ऐसा क्या जाता है। देखो कमर देखिए, जेब जेब निकालो, हाँ बोलिए बोलिए। निकाल इसको, निकाल कमर, निकाल कमर, थोड़ा निकाल कमर से, निकाल रुको रुको, अपने निकाल लेंगे कमर में, इधर क्या हाल है, इधर इधर घूम, इधर घूम। वो कह रहा था कि हमके सर कापी दीजिए, तो कहे नहीं नहीं देंगे, तो हमका वो कहा कि से नहीं, दुपट्टा उपट्टा उतार के फेंक दिया नीचा में, स्वेटर उटर पूरा खुलवा दिया, पूरा चेक पूरा हमारा शरीर के तलाशी किया अपना हाथ से, उस हमको जे भी जा रहा तुम से पाए एक सगीरा, तो उसका बुझा के चीट है, उसके लिए हमको कापी लेकर चला गया। इस तरीके की शिकायत हमको भी प्राप्त हुई है और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी इसको प्रतिवेदित किया गया है और साथ ही एक वीडियो भी मिला है, तो इसमें तत्काल जो है क्योंकि वहां के जो मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा चेकिंग किया गया और उसमें कुछ लोग के पास आपत्तिजनक सामान जो परीक्षा में अलाउड नहीं है वो प्राप्त हुआ, तो उसमें उन्होंने उनके द्वारा कार्रवाई की गई, तो ये एक इशू है इसमें। दूसरा इशू यह है कि जो फ्रिस्किंग हुआ वो फ्रिस्किंग सही तरीके से नहीं हुआ, जो मानक होने चाहिए वो नहीं हुए और उसी का भी एक ग्रीवांस है, तो तत्काल जो है विधि व्यवस्था को देखते हुए और क्योंकि एग्जाम सर्वोच्च परि है कि फ्री एंड फेयर करना, तो इसको देखते हुए जो है हमने तत्काल जो मजिस्ट्रेट है उनको इस ड्यूटी से वर्जित किया गया है जब तक ये जांच पूर्ण नहीं हो जाती है दोनों पक्ष की सुनवाई करके। एक एक्सप्लेनेशन भी उनसे पूछा गया है, एक कमिटी गठित की गई है जिसमें दो महिला पदाधिकारी को भी शामिल किया गया है और सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स भी है और शिक्षा विभाग के भी पदाधिकारी एक डीपीओ इसमें सम्मिलित है, तो उनका प्रतिवेदन जैसे ही आएगा तो आगे की कार्रवाई हम प्रशासन की ओर से निश्चित करेंगे और बिहार बोर्ड को भी इसकी सूचना देंगे।